नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जरहे। शाम के 7 बजने को हैं। दिन भर क्या कुछ हुआ है देश में, देश दिन भर लेकर हम हाजिर हैं। कुछ अहम खबरें सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएं। देश भर में 10 ट्रेड यूनियंस की हड़ताल रही, जिसकी वजह से किस तरह से परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा है, यह खबर विस्तार से हम आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में बंद के दौरान टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, फिर इसके बाद क्या हुआ पूरी खबर विस्तार से देखिएगा। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी ऑटो टैक्सी की हड़ताल रही, ऐसे में क्या कुछ यहां पर असर देखने को मिला है दिल्ली में, यह खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पीटर मुखर्जी से कई घंटे तक पूछताछ की है मुंबई पुलिस ने चीना मर्डर केस में, क्या कुछ इसमें नए खुलासे हुए हैं, ये खबर भी विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। वहीं लखनऊ में एक बेहद अहम घटना, 70 बच्चे मिड डे मील की वजह से बीमार पड़ गए, इन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, आखिर क्या हुआ पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन 6 लाख रुपए की बाइक एक युवक हैदराबाद में कैसे लेकर फरार हुआ, ये पूरी तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे हम, देखिएगा देश दिन भर में। लेकिन सबसे पहले खबर आज उस बात की जिस पर देश भर की निगाहें रही। आज 10 ट्रेड यूनियन की महाहड़ताल थी, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली वासियों पर इसकी दोहरी मार पड़ी। दरअसल दिल्ली सरकार यहां छोटी गाड़ियों को भी टैक्सी के तौर पर सड़क पर उतारने की तैयारी कर रही है, और ऐसे में ऑटो टैक्सी वालों ने इसके विरोध में हड़ताल कर दी। जिसने सड़क गाड़ी पर रास्ते में उतारी उसका विरोध भी किया गया, मारपीट भी की। ये तस्वीरें हैं दिल्ली में ऑटो रोककर तोड़फोड़ करते लोगों की। ये ऑटो चालक अपने ही साथी को धमका रहे हैं, उसकी ऑटो के कवर फाड़ रहे हैं। ये लोग ऐसे ऑटो चालकों को रोक रहे हैं जिन्होंने हड़ताल में इनका साथ नहीं दिया और अपनी गाड़ियां सड़कों पर उतार दी। हैरानी तो इस बात की है कि गुंडागर्दी करने वाले ऑटो टैक्सी चालकों ने बिना वजह जाने अपनी ही साथियों पर गुस्सा उतार दिया। मैं भी हॉस्पिटल से लेडी गार्डिंग से 3 सवारी लेके आया था, जिनके गोद में मरा हुआ बच्चा था। मैं इस रोड पे से लेके आया, पहले दिन लोगों ने यहाँ पे हमें लोग को मारा, उनको बच्चा देखा तो उन्होंने जब तो जाने दिया छोड़ दिया। फिर उधर से वापसी आया और हम उधर से आ रहे हैं, हम उनसे क्या भैया वही है जो अभी बच्चा मरा हुआ लेके गए थे, हम शमशान घाट में दफना के वापसी आ रहे हैं। उन लोगों ने एक भी नहीं सुना, किसी ने मेरे थप्पड़ मारा, उधर से इधर थप्पड़ मारने लगे, सवारी को भी मारा मेरी। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने नई सिटी टैक्सी योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत सड़कों पर नैनो और रेवा जैसी छोटी गाड़ियां उतारी जाएंगी। ऑटो और टैक्सी यूनियन इसी फैसले से नाराज हैं। उनकी दलील है कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनकी चेतावनी है कि अगर सरकार ने योजना वापस नहीं ली तो वो बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगी। उधर दिल्ली सरकार का कहना है कि यूनियन को आकर उससे बात करनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के ऑटो संगठन को अगर कोई शिकायत थी तो आकर के बात करनी चाहिए। जितना काम ऑटो वालों के लिए आम आदमी पार्टी वालों ने किया है, दिल्ली की सरकार ने किया है, आज की तारीख में उतना कोई नहीं कर सकता है। तो ऑटो टैक्सी हड़ताल के साथ साथ देशव्यापी हड़ताल का देश की राजधानी दिल्ली में कुछ खासा ही असर हुआ है। खासतौर पर लंबी दूरी से यहां पहुंचने वाले और बाहरी राज्यों से यहां आने वाले लोगों को कुछ बड़ी दिक्कतें हुई। दिल्ली के मुख्य बस अड्डे कश्मीरी गेट पर हड़ताल ने लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी की। ये है एयरफोर्स अफसर ओमवीर, जो बागपत के रहने वाले हैं। कल इनकी बहन का देहांत हो गया था और अब ये अस्थियां लेकर भटक रहे हैं क्योंकि इन्हें हरिद्वार जाना है, लेकिन हड़ताल की वजह से मुसीबत हो रही है। इनका कहना है कि 3 घंटे और 600 रुपए चुकाने के बाद ये शाहदरा से बस अड्डे तक पहुंचे हैं। अंतर्राज्यीय बस अड्डा होने की वजह से सरकारी बसें यहां से हरिद्वार के लिए नहीं चल रही। आज हमको शाम को बिछाना था और अस्थियां लेकर हरिद्वार ले जाना है, तो उधर इनको विसर्जन करना और हमको वापिस आना है। अब तो आपका पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो गया। हाँ, पूरा गड़बड़ हो गया। वही हड़ताल की मार कुछ ऐसे छात्रों पर भी पड़ी जिनका आज इम्तिहान था। दफ्तर जाने वाले लोग भी फंसे और दूर का सफर करने वालों को भी भारी दिक्कतें हुई। मॉडल टाउन से यहाँ तक आने में ऑटो में बहुत दिक्कत हुई, ऑटो कोई आ ही नहीं रहा था। मैं फिर मुझे मेट्रो कैरी करनी पड़ी और मुझे अभी दिल्ली से मेरठ जाना था, तो यहाँ पे बसेज भी अवेलेबल नहीं है। अपना कन्वेंस लेंगे तो उससे जाएंगे, जाना जरूरी है तो जाएंगे। तो हम फॉर्म जमा करना है, लास्ट डेट है आज की, तो जाना जरूरी है तो जाना है, किसी तरीके से जाएंगे। आप देशव्यापी बंद के दौरान पश्चिम बंगाल में इसका खासा असर देखने को मिला है। यहाँ पर टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए और एक दूसरों पर जमकर पथराव भी किया। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां बंद के दौरान सत्तारूढ़ टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखिए जो हत्थे चढ़ गया उसे कितनी बुरी तरह पीटा जा रहा है। ये डर या परवाह नहीं कि किसी की जान भी जा सकती है। उधर 24 परगना में हड़तालियों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने हड़तालियों को ट्रैक से हटाया। इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया गया। उधर कोलकाता के धर्मतल्ला में लोगों ने ट्रैफिक जाम किया, यहां पुलिस ने 70-80 लोगों को गिरफ्तार किया।
We have come here for attend a training. Okay. And we are not getting any taxi to get to our hotel that is already booked. उधर ममता सरकार ने दावा किया कि हड़ताल से निपटने के लिए 1700 बसें सड़क पर उतारी गईं, साथ ही निजी बसों का भी इंतजाम किया गया। सुरक्षा को देखते हुए 25,000 पुलिस वाले तैनात किए गए। ट्रेड यूनियन की हड़ताल का लखनऊ में खासतौर पर असर देखने को मिला, प्रभावित तो पूरा उत्तर प्रदेश भी रहा। खास बात यह भी रही कि इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की। के बस अड्डे पर बच्चा गोद में लिए खड़ी ये है जरीना। इनके एक परिवार के सदस्य की मौत हो गई है और जरीना को बाराबंकी पहुंचना है, मगर हड़ताल की वजह से ये फंस गई हैं। परेशानी और ज्यादा है क्योंकि बच्चे की भी तबीयत खराब है। परिवार वाले बार बार पूछ रहे हैं कि घर कब पहुंचेगी, मगर इनके पास कोई जवाब नहीं। हम सुबह से यहाँ इंतजार कर रहे हैं, हम कैसे पहुँचे वहाँ पर? वहाँ पे मेरे फोन पे फोन आ रहा है कि जल्दी आओ, घर की रिश्तेदारी है और उनको जहर के उनकी मिट्टी है। जरीना जैसे हजारों लोग हैं जो सफर करने निकले मगर रास्ते में फंस गए। शाखा बेगम भी बस अड्डे पर परेशान हो रही हैं। बीपी और शुगर से परेशान शाखा हड़ताल खत्म होने का इंतजार कर रही हैं। बस अड्डे पर कोई इंतजाम नहीं होने की वजह से गुस्सा भी आ रहा है। पहुंचना जरूरी था, हमारी तबीयत भी नहीं सही रहती है, शुगर ब्लड प्रेशर सब है, मरीज हैं और हम जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते हैं बस। लखनऊ से एक अहम खबर, जहां मिड डे मील की वजह से 70 बच्चे बीमार पड़ गए और इस खबर को सुनकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अभिभावक स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े ये बच्चे स्कूल में मिड डे मील खाने से बीमार पड़े हैं। ये बच्चे लखनऊ में चिन्हट के जुग्गौर प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। इनका कहना है कि स्कूल में इन्हें कढ़ी चावल खाने को दिया गया था, जिसके बाद इन्हें उल्टियां आने लगी। आनंद फानंद में इन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदबू भी आ रही थी सर, कीड़े भी उसमें थे। हम लोग को पता नहीं था सर, हम लोगों ने खा लिया और सब लोग पेट भी दर्द होने लगा, सिर भी दर्द होने लगा। खाना सड़ गया था, हमने एक माला खाया, उसमें बदबू आ रही थी, हमने फेंक दिया। जब हमने मैम से शिकायत करी तो मैम ने कहा तुम लोग झूठ बोल रही हो। बताया जा रहा है कि मिड डे मील खाने के बाद कुल 79 बच्चों को अस्पताल लाया गया था। इनमें से 76 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 3 बच्चों को अभी भी अस्पताल में ही रखा गया है। प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ, लेकिन इसमें लश्करे इस्लाम का एक आतंकी भी मारा गया। ये तस्वीरें हैं उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के रफियाबाद इलाके की। आतंकियों और सेना के बीच जमकर गोलीबारी हो रही है। दरअसल सेना को खबर मिली कि इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं। इसके बाद सेना ने सुबह तकरीबन 7 बजे सघन तलाशी अभियान छेड़ा। खुद को फंसता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने भी जवाबी फायरिंग की। इस दौरान सेना का एक जवान शहीद हो गया। सेना ने एक आतंकवादी को भी मार गिराया है। ढेर किए गए आतंकी का नाम रियाज अहमद बताया जा रहा है और वो लश्करे इस्लामी का आतंकी बताया जाता है। और अब खबर मुंबई से, जहां पर शीना मर्डर केस में एक बार फिर से पुलिस ने पूछताछ आगे बढ़ाई है और पीटर मुखर्जी से लंबी पूछताछ की गई है। खास बात यह है कि कुछ दस्तावेज भी पुलिस ने जब्त किए हैं। शीना हत्याकांड में इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी पर आखिरकार मुंबई पुलिस ने हाथ डाल ही दिया। खार पुलिस स्टेशन में पीटर और इंद्राणी को आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किए गए। पुलिस ने उनसे कई घंटे सवाल जवाब किए। पुलिस ने पीटर से पूछा कि अगर बार बार इंद्राणी और शीना के माँ बेटी के रिश्ते के बारे में आपको बताया गया तो आपने क्या किया? आपने खबर आने के बाद इससे इनकार क्यों किया? शीना के गायब होने पर भी आपको जानकारी थी, आपका रवैया सवालों के घेरे में आता है। सुबह तकरीबन 10:15 के आसपास पीटर मुखर्जी यहाँ पर आए थे और उसके बाद से लगातार यहाँ पर डीसीपी सत्यनारायण चौधरी, जो इस पूरे केस के आयु हैं, वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अब तक जो जानकारी मिली है इन घंटों में उनसे कई ऐसे सवाल शीना और इंद्राणी के रिश्ते को लेकर पूछे गए हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लेकर भी कई सवाल पूछे गए हैं। इधर पीटर से पूछताछ चल रही थी, उधर पुलिस की एक टीम ने वर्ली में उनके घर से लैपटॉप, प्रिंटर और कुछ सामान जब्त किया, जिसे सुराग की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस ने कोलकाता में इंद्राणी के पति रहे संजीव खन्ना के दोस्त अजय रावला के घर से 2 लैपटॉप भी जब्त किए हैं। संजीव खन्ना को पिछले हफ्ते पुलिस ने रावला के घर से ही पकड़ा था। उधर पुलिस ने वो गाड़ी भी बरामद कर ली है, जिसके शीना हत्याकांड में इस्तेमाल किए जाने की बात की जा रही है। और अब खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर एक दलित महिला को निर्वस्त्र करके उसके साथ मारपीट की गई, लेकिन जब इस दलित महिला ने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज करवानी चाही तो उसकी कोई सुनवाई भी नहीं।
छतरपुर में एसपी दफ्तर के बाहर खड़ी ये दलित महिला अपनी फरियाद लेकर आला अफसरों के पास आई है। शरीर पर चोट के निशान है। इस महिला का आरोप है कि गांव के दबंग लोगों ने इसे निर्वस्त्र कर घुमाया और मूत्र पीने को मजबूर किया। आरोप है कि इसे सरकार की तरफ से पट्टे की जमीन मिली थी जिस पर वो खेती बाड़ी करती थी। आरोप है कि गांव के विजय यादव नाम के शख्स के जानवर इसकी फसल खा जाते थे। जब ये महिला शिकायत लेकर विजय के घर पहुंची, तो उसकी पत्नी ने गाली गलौच और मारपीट की। महिला का आरोप है कि इसी दौरान विजय भी आ गया और फिर उसके साथ बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई। मेरे फसल चरा दी थी यादव, तो मैंने बोला तो मेरे को गाली गाली दी, वो तो हो गए दिन में। फिर उसके घर कराइया लाने अपनी, तो भाई मैं कराइया लग गई, तो उसके आई मेरे को झोटा पकड़ा पटका ही दिया, पटक क्या फिर दोनों आदमी लग गए, दोनों ने मारा। मामला इस तरह का भी आया है, उसका परीक्षण कराया जाएगा, किन कारणों से पहले उनने क्या रिपोर्ट किए क्या नहीं किए, जो वो बात बता रही उसकी भी जांच करेंगे। उधर तमाम दलों के नेताओं और महिला संगठनों ने इस वारदात की कड़ी निंदा की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कोई कानून का डर वहाँ मध्य प्रदेश में है नहीं, गुंडा राज है। शिवराज सिंह एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार मध्य प्रदेश में होता है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि आज के दिन भी दलित महिलाओं को नंगा करके और इस तरह से अपमानित किया जाए, जब वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। तो ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं और अब खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, जहां पर समाजवादी पार्टी का एक नेता सरेआम एक डॉक्टर को धमकी देते हुए कैमरे में कैद हुआ है। खास बात ये भी है कि डॉक्टर को धमकाते हुए वो लगातार मुलायम सिंह यादव और सीएम अखिलेश यादव का भी नाम ले रहा था। ये तस्वीरें बुलंदशहर के सरकारी अस्पताल की हैं, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आसिफ कुरैशी एक डॉक्टर को जमकर गालियां दे रहे हैं। आरोप है कि आसिफ कुरैशी डॉक्टर पर मेडिकल रिपोर्ट में फर्जी चोट दिखाने का दबाव बना रहे थे, मगर जब डॉक्टर ने इनकार किया तो उसे धमकियां दी गई। मैं तो कर ही नहीं रहा था, मतलब मेडिकल करना बैठे सामने आ गई, कह रहे जी मैं आसिफ कुरैशी और नगर अध्यक्ष हूँ, इसके हाथ में वो है छोटे 3-8 बनाइए। मैंने उसको यूं देख लिया, बस खाली मैं लिख रहा था ना, मैंने यूं देखा, मैं देखने बाद जैसे ही मैंने यूं देखा तो उसने इस कदर गालियां देनी शुरू कर दी कि मैं अगर मतलब खत्म करने को तैयार था। हैदराबाद की बंजारा हिल्स में मौजूद है एक हार्ले डेविडसन का शोरूम। एक युवक पहुंचा बाइक देखने के लिए और जैसे ही वो टेस्ट ड्राइव के लिए इसे लेकर निकला तो वापस ही नहीं लौटा। सीसीटीवी में दिख रहा यही शख्स 6 लाख रुपए की हार्ले डेविडसन लेकर फरार हो गया। आरोप है कि लड़का मंगलवार शाम हैदराबाद के शोरूम में आया और बाइक के बारे में पड़ताल करने लगा। उसने खुद को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताया और बाइक की टेस्ट ड्राइव लेने की इच्छा जताई। वो बाइक लेकर निकला मगर फिर लौट कर नहीं आया। शोरूम मैनेजर ने पुलिस को खबर दी। अब पुलिस शोरूम के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि शोरूम का कर्मचारी कुछ दूर तक उसके पीछे भी गया, मगर हाई एंड बाइक होने की वजह से रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो पीछा नहीं कर पाया। आरोपी ने टेस्ट ड्राइव से पहले शोरूम कर्मचारी को अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया था, मगर वो भी फर्जी निकला। और खबर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से, जहां पर अभिनेत्री डॉली बिंद्रा की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई और इसी सिलसिले में राधे मां से पुलिस ने पूछताछ की है। डॉली बिंद्रा ने कई संगीन आरोप राधे मां पर लगाए। राधे मां की मुश्किल एक बार फिर बढ़ सकती है। डॉली बिंद्रा की शिकायत के बाद कांदीवली थाने में राधे माँ और 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डॉली बिंद्रा का आरोप है कि राधे माँ उन्हें अपने बेडरूम में ले जाकर पॉर्न फिल्में दिखाती थी। डॉली की शिकायत है कि राधे माँ के भक्त उनके सामने अश्लील डांस करते थे और उनके शरीर को आपत्तिजनक ढंग से छूते थे। तो इन लोगों ने मेरा गाल इस तरीके से खींचा, ऐसे खींचा, मैं अपने आप को सेव कर पाती, मेरी कोई लिप किस ले रहा है, मुझे कोई ऊपर दबा रहा है, कोई मेरे नीचे भाग पे दबा रहा है, मेरे को प्राइवेट पार्ट में हाथ लगा रहा है, मैंने ऐसे करते हुए दोनों को अपने हाथों को ढकते हुए मैंने अपने आप को नीचे ढका, ऐसे नीचे बैठ गई मैं कि मुझे ना छुए। रिलायंस जियो ने आज पहाड़ों की रानी मसूरी को हाई स्पीड वाईफाई का तोहफा दिया है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत ने। मसूरी भी अब वाईफाई से लैस हो गया है। रिलायंस जियो की जियो नेट वाईफाई सेवा आज से लॉन्च कर दी गई। मुख्यमंत्री हरीश रावत और कैबिनेट मंत्री प्रीतम पवार ने वीडियो कॉलिंग करके जियो नेट की हाई स्पीड वाईफाई सेवा की शुरुआत की। इसी के साथ मसूरी पहला ऐसा हिल स्टेशन बन गया है जिसने डिजिटल युग में कदम रखा।
रिलायंस जियो इन्फोकॉम की जियोनेट सेवा मसूरी के मॉल रोड और नगर पालिका इलाके के आसपास शुरुआती तौर पर उपलब्ध होगी। दिसंबर तक इसका विस्तार किया जाएगा। इस सेवा से यहां आने वाले पर्यटकों को बहुत फायदा पहुंचेगा। वाईफाई से अभी लॉन्च करने का एक तो ये था कि सारे लोग एक अच्छी हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी यूज कर सके, वो किसी के पास भी स्मार्टफोन, जो भी स्मार्टफोन है वो अपना बहुत ही सिंपल प्रोसेस से लॉक कर सकते हैं। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।